जो इस धरती पर आया है उसे यहाँ से जाना ही है, फिर चाहे वो आम इंसान हो, पशु पक्षी हो या फिर भगवान का कोई अवतार हो। ऐसे में आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं उस स्थल के बारे में जिसे लेकर कहा जाता है, माना जाता है इसी पावन जगह पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। यूं तो हमारे देश भारत में अनेकों धार्मिक स्थल हैं और हर जगह की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, जो कि हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्व रखती है। ऐसी ही एक जगह है जिसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो कि सोमनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर गुजरात के वेरावल में स्थित है। बता दें आपको, इस मंदिर के बारे में लोगों का ऐसा कहना है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने अपना जीवन त्याग दिया था। लोगों का मानना है, उनकी श्रद्धा है, उनकी मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं कान्हा पूरी कर देते हैं। बता दें आपको, यहाँ पर एक हरा भरा पेड़ है जिसे लेकर लोग ऐसा कहते हैं कि करीब 5000 साल पुराना ये वृक्ष हो चुका है। लोग इसकी पूजा करते हैं। लोक कथाओं की माने, धार्मिक ग्रंथों की माने तो इन पुस्तकों में जिस तरीके से इस जगह का वर्णन किया गया है, उनके आधार पर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके 36 साल बाद तक यादव कुल मध में आ गए और आपस में ही लड़ते रहे। इसी सब झगड़ों से परेशान होकर कान्हा सोमनाथ मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर वैरावल नाम की इस जगह पर आराम करने के लिए आ गए। कान्हा काफी ज्यादा थक गए थे और ध्यान मग्न होकर लेटे हुए थे, तभी जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा कि ये किसी मृग की आंख है। जी हाँ, कान्हा जब आराम से आराम कर रहे थे तब यहाँ पर भील को लगा कि किसी मृग की आंख है। उसने तीर छोड़ दिया और ये तीर सीधे जाकर कान्हा के बाएं पैर में लगा। जब जरा वहां गया देखने तो भगवान से इस अपराध के लिए माफी मांगने लगा। इसके बाद भील जरा को समझाते हुए कृष्ण ने कहा, क्यों व्यर्थ विलाप कर रहे हो, जो भी हुआ वो नियति है। कहा जाता है कि बाण लगने से भगवान श्री कृष्ण घायल हो गए, भालका से थोड़ी दूरी पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे और इसी जगह को लेकर ऐसा मानते हैं कि यहीं भगवान श्री कृष्ण पंच तत्व में विलीन हो गए। इसी जगह को कहा जाता है कि यहीं कान्हा ने अपने देह अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।